राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायर राइस का तेज गोल्ड धान के बारे में। तेज गोल्ड धान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तेज गोल्ड धान कितने दिन में पककर तैयार होता है, तेज गोल्ड धान का उत्पादन कितना आता है, तेज गोल्ड धान के एक पौधे में कितने कल्ले निकल आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बायर राइस का तेज गोल्ड धान। यह धान जीवाणु जनित झुलसा रोग के प्रति सहनशील किस्म है, यानी कि BLV के प्रतिरोधी किस्म है। बायर का तेज गोल्ड धान सूखा के प्रति भी सहनशील किस्म है, इस वजह से कम बारिश होने पर भी यह अच्छा उत्पादन देता है। तेज गोल्ड धान की पकने की अवधि है 120 दिन से 125 दिन के भीतर ही पककर तैयार हो जाता है। राइस तेज गोल्ड धान की दाने की बात करें तो इसका दाना पतला लंबा होता है और चमकदार रहता है। इसका चावल खाने के लिए बहुत ही उत्तम है। बायर का राइस तेज गोल्ड धान के एक पौधे में 20 से 22 कल्ले निकल आते हैं। यह धान सूखा और अवधि होने के कारण कम पानी गिरने पर भी बहुत अच्छा उत्पादन देता है। राइस तेज गोल्ड धान की उपज की बात करें तो यह धान प्रति एकड़ 28 से 30 क्विंटल बड़ा ही आसानी से उत्पादन दे देता है। इस धान की प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो इस धान का प्रति एकड़ बीज दर रोपाई में 6 kg और डायरेक्ट बुआई से 12 kg लगता है। राइस तेज गोल्ड धान का नर्सरी कब डालें तो राइस तेज गोल्ड धान का नर्सरी 15 जून से लेकर 25 जून के भीतर ही डाल देना चाहिए और नर्सरी डालने के 22 से 25 दिन के भीतर ही रोपाई चालू कर देना चाहिए। रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।